अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग माशाल्लाह खैरियत से होंगे। और आज बेटा आज हम नई चीज़ सीखने जा रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको रेडॉक्स इक्वेशन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है, ऐसे रिएक्शंस को जो है इस इक्वेशंस को बैलेंस करना सिखाया, और वो था बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो चीज़ है, इक्वेशन वही होंगी रेडॉक्स इक्वेशन, लेकिन हम जो मेथड चेंज कर लेंगे वो ये वाला होगा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, इक्वेशंस रेडॉक्स ही होंगी, यानी कि जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन्वॉल्व होगी, लेकिन मेथड हम चेंज कर लेंगे इक्वेशन को बैलेंस करने का, और वो मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। रूल्स भी डिस्कस करेंगे और साथ में एग्जाम्पल भी इंशाल्लाह आपको उससे क्लियर सारी करवा के इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करवाऊंगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस केमिस्ट्री से रिलेटेड मिलती रहेंगी। और वीडियो के एंड पर अगर आप वीडियो पसंद आया आपको तो उसको शेयर करना ना भूलिएगा, और अपने कमेंट का जो है वो जरूर हमें हवाला दीजिएगा। अच्छा, बैलेंसिंग रेडॉक्स इक्वेशंस बाय इलेक्ट्रॉन मेथड जो आज का हमारा टॉपिक है, इसकी तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात सीखने वाली है यहाँ पे वो ये वाली है बेटा कि हम लास्ट टाइम वाले प्रीवियस लेक्चर में अगर हम देखें ऑक्सीडेशन नंबर से, हमने वो तमाम चीजें लिखी थी जो कि चेंज शो कर रही थी या चेंज शो नहीं कर रही थी। लेकिन ये हम रेडॉक्स इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, लेकिन उसी इक्वेशन के अंदर जो है वो हमने कुछ ऐसी चीजें भी जो है वो देखी थी जिनमें चेंज नहीं आ रहा था, तो उसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और सिंप्लीफाई कर लेता है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के मुताबिक वो जो चीज चेंज शो नहीं कर रही उसको हम इक्वेशन से एलिमिनेट कर लें, उसका उस इक्वेशन के अंदर लिखना नेसेसरी इतना नहीं है, जरूरी नहीं है। हम उसको चाहे जो है वो इस इलेक्ट्रॉन के अंदर, इस मेथड के अंदर, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, और सिर्फ वही जो है वो चीजें लिखेंगे जो कि अपनी जो है वो चेंज शो कर रहे हैं उस रिएक्शन के अंदर, उस केमिकल इक्वेशन के अंदर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये बात याद रखनी है। रूल्स की जानिब बढ़ते हैं। द फर्स्ट रूल इज के आप स्केलेटन लिखें उस इक्वेशन का, एज यूजुअल जैसे पहले करते रहे। स्केलेटन लिखना है हमने, यानी कि उसका ढांचा लिखना है, और अब सिर्फ उन्हीं चीजों का लिखना है हमने जो कि चेंज शो कर रही हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है, ये भी याद रखना है, हमारे पास मीडियम दो होते हैं, एक होता है एसिडिक मीडियम और एक होता है बेसिक मीडियम। आज जो मैं आपको पहले सिखाऊंगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होगा दोनों में, लेकिन एसिडिक और बेसिक दो मीडियम हैं, इसमें वो हम डिस्कस करते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एसिडिक मीडियम को डिस्कस करेंगे, इसमें इक्वेशन बैलेंस करना सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ रूल मैंने क्या बताया कि हम जो है वो इक्वेशन लिखेंगे, और इक्वेशन के सिर्फ वही पार्ट लिखेंगे जो कि चेंज शो कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर HCl एसिडिफाइड किया MnO4 के साथ रिएक्शन करता है, और हमारे पास जो है वो क्या बनता है, वाटर बनता है, हमारे पास क्लोरीन बनती है, मैंगनीज जो है वो कन्वर्जन होती है उसकी, तो इसमें हम देखेंगे कि चेंज कौन सी हो रही है। जो चेंज हो रही है चीजें मैं वो लिखने जा रहा हूं वो ये वाली होती हैं, Cl नेगेटिव प्लस MnO4 नेगेटिव इक्वेशन Cl2 प्लस MN2 पॉजिटिव। ओके, अब वो HCl और KMnO4 जो एसिडिफाइड था, यानी कि एसिड की मौजूदगी भी था उसमें से, हमें जो चीजें लिखनी है जो कि चेंज शो कर रही है वो सिर्फ ये वाली है। ये मैंने इक्वेशन लिख ली फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, अच्छा, फर्स्ट रूल क्लियर हो गया। दूसरी बात, इस इक्वेशन में हमने देखना है कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है और रिडक्शन किसकी हो रही है, वो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन -1 से ये चीज शिफ्ट कर रही है यहां पे 0,
और ये यहां से प्लस 7 है यहां पे मैंगनीज, तो वो वहां पे Mn प्लस 2 में शिफ्टिंग हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो हमने इस इक्वेशन के दो पार्ट जो है वो बना लेने, दो हाफ रिएक्शन में हमने इनको डिवाइड कर देना है। वो कैसे, एक होगा हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और एक होगा हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यानी कि इस पूरी इक्वेशन के जो है वो हमने दो पार्ट बना लिए, एक ऑक्सीडेशन वाला पार्ट अलग से कर लिया है और रिडक्शन वाला पार्ट जो है वो हमने उसको सेपरेट कर लिया। अब इसमें मैं लिखता हूं जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है वो ये वाला Cl नेगेटिव से Cl2 में कन्वर्ट होना, Cl नेगेटिव से Cl2 जीरो में कन्वर्ट होना। यहां से रिडक्शन वाला लिखें पार्ट, तो MnO4 नेगेटिव प्लस 7 से इसका Mn2 पॉजिटिव, ये इसमें इसका शिफ्ट होना। ओके अंडरस्टैंड, हमने दो पार्ट बना लिए, एक बना लिया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक बना लिया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यहां पे आपने हमेशा याद रखना है, हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर मॉलिक्यूलर स्पीशीज लिखते हैं या हम उसकी आयनिक स्पीशीज लिखते हैं, कभी भी उसको हमने फ्री स्टेट में जो है वो इस इक्वेशन के अंदर जो है वो चीज राइट नहीं करनी। अच्छा, नेक्स्ट जो बात है वो हमने इसके बैलेंस करने हैं चार्जेस। अब वो चार्जेस बैलेंस करें, मिसाल के तौर पर पहले एटम्स बैलेंस करते हैं। देखें इस तरफ Cl नेगेटिव 1 है, इस तरफ Cl 2 है, इसका मतलब दो Cl नेगेटिव होंगे तो ये Cl 2 में आएगा। ओके, ये चीज हो गई, ये हमने Cl नेगेटिव यानी कि इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पर नंबर ऑफ एटम्स की तादाद बराबर कर ली। ओके, ये भी दो है और ये भी दो। इस इक्वेशन की तरफ आए, यहां पर दो चीजें हैं, एसिडिक मीडियम जब होता है तो जो ऑक्सीजन एटम्स हैं उनको स्टूडेंट्स हम कैसे करते हैं, बाय द एडिशन ऑफ वाटर हम बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर ऑक्सीजन है लेकिन इस तरफ ऑक्सीजन नहीं है, तो हमने ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना है। अब कितने ऑक्सीजन एटम है यहां, चार इन टोटल, तो एक ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है ना, हमने एक ऑक्सीजन चाहिए तो एक वाटर का मॉलिक्यूल हमें चाहिए, क्योंकि H2O एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन होता है। हमारे पास कितने हैं, टोटल चार ऑक्सीजन हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए इक्वेशन के इस जानिब जो है वो हम क्या करेंगे, चार ऑक्सीजन वाटर के मॉलिक्यूल जो है ऐड करेंगे ताकि हमारे पास ये ऑक्सीजन एटम्स जो है वो बैलेंस आउट हो सके। So, हम इसको कैसे राइट कर लेंगे, ये चीज इस तरह से बन जाएगी MnO4 Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। ओके, लुक एट दिस, फोर ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो बैलेंस हो चुके हैं, अंडरस्टैंड। अब ये तो हो गया ऑक्सीजन बैलेंस, अब रह गए हाइड्रोजन। एसिडिक मीडियम में जब हम हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करते हैं तो हम H पॉजिटिव आयंस की एडिशन करते हैं। ओके अच्छा, लुक एट दिस, यहां पे 4 2 आर 8, हमारे पास 8 हाइड्रोजन हैं तो हमने इसको बैलेंस करना है, 8 हाइड्रोजन चाहिए तो हम इक्वेशन के इस जानिब जो है वो 8 H पॉजिटिव की एडिशन कर देंगे। ओके, ये चीज बन जाएगी हमारे पास प्लस 7 Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। फिर समझें, मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो इसके ऑपोजिट साइड पे हम जितने ऑक्सीजन चाहिए उतने वाटर के मॉलिक्यूल हम ऐड करेंगे, एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एक वाटर का मॉलिक्यूल हमें रिक्वायर्ड होता है। चार ऑक्सीजन थे, चार मैंने वाटर के लगा दिए। उसके बाद हम हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, इधर 8 हैं तो हमने 8 इधर इस तरफ पूरे करने हैं, दोनों तरफ इक्वल करने हैं, तो 8 H पॉजिटिव यानी कि H एटम को करने के लिए बैलेंस हम क्या लगाते हैं, H पॉजिटिव आयंस की जो है वो एडिशन करते हैं। ओके हो गया, ये चीज हो गई। अब जो गौर करने वाली बात है, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो ये वाला है स्टूडेंट्स के, अब हमने चार्जेस को बैलेंस करना है। लुक एट दिस, हमारे पास
एक सीएल के ऊपर एक नेगेटिव है, तो हमारे पास कितने हैं टोटल, दो सीएल एक्टिव हैं। ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रही है। अब जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं वो यहां पे हमने लिखे नहीं हुए, तो वो हम बैलेंस करेंगे, वो इक्वेशन के जो है वो राइट साइड में आएंगे कि लेफ्ट साइड में आएंगे, वो डिपेंड करेगा कि वो ऑक्सीडेशन वाला है कि रिडक्शन वाला रिएक्शन है। इस केस में सीएल नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो एक सीएल बनता है, तो दो थे उन्होंने दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए और सीएल टू बना, तो चार्जेस को हम बैलेंस करेंगे बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सीएल नेगेटिव एंड इट बिकम्स लाइक दिस टू इलेक्ट्रॉन। ओके, इस तरफ आ जाएं, यहां से स्टूडेंट्स आप गौर करें तो मैंगनीज जो है वो प्लस सेवन की ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस टू की ऑक्सीडेशन में स्टेट में शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब उसने फाइव इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। सो हम इनको कैसे लिखेंगे, हम उसको इक्वेशन के जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, एट एच पॉजिटिव प्लस एम एन ओ फोर नेगेटिव प्लस फाइव इलेक्ट्रॉन एम एन टू पॉजिटिव प्लस फोर एच टू ओ, ये हमने चार्जेस बैलेंस कर दिए, इसका चार्जेस बैलेंस हो गया और इसके चार्जेस भी जो है वो बैलेंस आउट हो गए। ओके, जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने करना है कि हमने एक ऐसा सुटेबल डिजिट ढूंढना है जो कि दोनों हाफ रिएक्शंस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस आउट कर दे। लुक एट दिस, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है और यहां पर फाइव इलेक्ट्रॉन्स है, हम क्या करेंगे, इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन हो जाएंगे, इसको फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टेन होंगे। So, इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करने के लिए, उसको बैलेंस आउट करने के लिए, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन है उनको बराबर करने के लिए हमें एक सूटेबल डिजिट की जो है वो तलाश होती है, वो हमने तलाश कर लिया, वो है इधर है फाइव और इस तरफ है टू और वो पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा। ओके, यहां पे हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय विद फाइव, तो ये हो जाएगा इस तरह से 5 इंटू टू सी एल नेगेटिव सी एल टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, अब ये पूरी क्वेश्चन के अंदर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 सी एल नेगेटिव हो गया, यहां पे हो जाएगा 5 सी एल टू प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसको नाम दे दें ए का, कि ये हमारी इक्वेशन है उसका नाम ए है। ओके, अब यहां से हम बात करें नेक्स्ट इक्वेशन में, तो हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है किससे, टू से, मल्टीप्लाई बाय टू, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से जो है वो अपनी शक्ल ले लेगी। मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं साथ साथ, वो हो जाएगा इसको टू से मल्टीप्लाई 16 एच पॉजिटिव, इसको किया 2 एम एन ओ फोर नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन 2 एम एन टू पॉजिटिव प्लस 8 एच टू ओ। लुक एट दिस, यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे हो गए हैं। इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन बी का। ओके, हो गया। अच्छा, यहां से हम अब क्या करेंगे, दोनों ए और बी को ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशंस ए एंड इक्वेशन बी, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, सम अप करेंगे, कैसे, हम इनको ऊपर नीचे लिख लेते हैं, ये चीज बन जाएगी 10 सी एल नेगेटिव 5 सी एल टू प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, यहां पे इसको लिख लें तो ये चीज बन जाएगी 16 H पॉजिटिव प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 8 H2O, इनको अब हमने सम अप करना है। और ये याद रखें, देखें ये जो एरो होता है ना, एरो के ये 10 इलेक्ट्रॉन इधर प्लस हैं इधर हैं, जब इसको इस तरफ एरो को ले जाएंगे तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा शिफ्ट, ये कट जाएंगे, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे,
ओवरऑल इक्वेशन को अब सम अप करके लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 16 H पॉजिटिव प्लस 10 Cl नेगेटिव प्लस 2 MnO4 नेगेटिव एंड 5 Cl2 प्लस 2 MN2 पॉजिटिव प्लस 8 H2O। ये वाली इक्वेशन जो है वो अब हमारे पास आ गई है, जो कि एक बैलेंस इक्वेशन है जिसको हमने बैलेंस किया है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ओके, जल्दी से इसको हम हैव इसका रिव्यू करते हैं कि जो हम रेडॉक्स इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे जो है वो बैलेंस आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि इसके मीडियम भी दो होते हैं, एसिडिक और बेसिक। जो आज हमने किया है वो एसिडिक मीडियम में किया है। हमने कहा कि इसमें हमने याद रखना है, हमने सिर्फ वही चीजें इक्वेशन के अंदर जो है वो मेंशन करनी होती हैं जिनमें चेंज जो है वो आता है। HCl और KMnO4 एसिडिफाइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन हो के जो है वो चीजें बन रही थी, लेकिन हमने जो उसमें चेंज हो रही थी चीजें वो हमने जो लिखी हैं वो ये वाली है। ठीक है, पहले स्केलेटन लिखेंगे फिर देखेंगे ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है। ऑक्सीडेशन वाले हाफ रिएक्शन को अलग कर लेंगे, रिडक्शन वाले हाफ रिएक्शन को हम सेपरेट कर लेंगे, फिर उनके जो है वो एटम्स को बैलेंस करेंगे, फिर उसके भी एटम्स को बैलेंस करेंगे, फिर जो है वो हम इस तरफ जब आएंगे तो इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर की एडिशन और हाइड्रोजन की जो है वो बैलेंसिंग के लिए हम जो है वो एच पॉजिटिव आयन की एडिशन। चार्जेस बैलेंस करेंगे बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है एक सूटेबल डिजिट ढूंढ के ताकि वो बराबर हो के एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट, यानी कि जितने लॉस होंगे उतने ही गेन होते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो उनको बराबर करने के लिए ओवरऑल जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमारे पास एट द एंड ऑफ जो है वो इक्वेशन आ जाएगी बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। होप सो मेरा बेटा आपको जो है वो इसकी समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम है, ठीक है, इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है वो मुझसे इजीली डिस्कस कर सकते हैं बाय यूजिंग फेसबुक आईडी अजीजुर रहमान के नाम से, बाय यूजिंग हमारे पास जो केमिस्ट्री कॉर्नर बाय मिस्टर केमिस्ट अजीजुर रहमान वहां पे कमेंट करके, या व्हाट्सएप का कांटेक्ट दिया हुआ है आप वहां पे जाके मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको इजी से इजी वे में जो है वो सॉल्यूशंस दूंगा। ओके, जजाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।